सबको मेरी तरफ से नमस्ते है। हमारा इधर मैं जो चल रहा है मैं आप लोग का भी पूरा बता रहा हूँ अभी, ठीक है सर। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो हिंदी है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग आसामीज पीपुल है, ठीक उसके लिए है टेंशन सर। नहीं लीजिए, आपका भाषा बांग्ला है, सब समझते हैं, आप बोल सकते हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम लोग का इधर जो शिक्षक बहाली आया है जी एलिमेंट्री लेवल में आया है, तो उसमें हम लोगों का जो डीएलएड का कैंडिडेट्स है हम लोगों को पूरा नो लॉन्गर वैलिड ठहराया जा रहा है इधर। हम लोगों को मौका नहीं दे रहा है बोल के नोटिफिकेशन आया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो अभी वैकेंसी आया है हमारा, हम लोगों को पूरा बाहर कर दिया है। तो हम लोग 3 तारीख को गया था, 3 जनवरी को गुवाहाटी में गया था। तो हम लोग का एनआईएस का जो रीजनल ऑफिस है उसमें गया था हम लोग। लगभग हम लोग 2000 कैंडिडेट्स उधर हम लोग सब लोग एक एक होके प्रोटेस्ट किया था। तो हम लोगों को बताया गया उधर एनएस का जो डायरेक्टर है, एमडी सर है, उन लोगों ने आप लोग बताया कि आप लोगों को जो आप लोगों का जो कोर्स है वो पूरा 2 साल का ही है, आप लोग पूरा वैलिड हुआ करके हम लोग को बताया। इससे पहले भी हम लोग उधर गया था, उन लोग को हम लोग मेमोरेंडम देकर आया है, आवेदन देकर आया है। उन लोगों ने हम लोगों का मेमोरेंडम जो है वो मेल करके पूरा हेड ऑफिस में भेजा है। हम लोग के बारे में जो हम लोग प्रॉब्लम चल रहा है अभी एनएस वालों को, तो पूरा दिल्ली में जो हेड ऑफिस है एनएस का उसमें सेंड किया है वो लोग। और हम लोग पूरा रिक्वेस्ट किया कि हम लोग के बारे में कुछ कीजिए, अभी जो हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लेटर उन लोगों को भेज दिया है, उसमें लेटर भेज दिया। तो हम लोग और रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों का जो असम का जो स्टूडेंट है कैंडिडेट्स है सब लोग, हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, सब लोग हम लोग ट्वीट कर रहे हैं लगातार। शिक्षा मंत्री है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्री है धर्मन जी, उनको भी हम लोग पूरा लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं आया कि हम लोग को राहत मिले। अब ऐसा बहुत टेंशन में है हम लोग इधर, सब लोग को बाहर कर दिया है नियुक्ति बहाली से, सब लोग आज बहुत आप टेंशन लोग में है। किसी नेता का घेराव किए हैं आप लोग आज? हेलो आप लोग नेता को घेराव हेलो किए सर, हैं, बीजेपी नेता लोग को? बीजेपी? हाँ, हमारा इधर बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है हमारा असम में अभी। हम लोग जी पूरा जी रिक्वेस्ट किया है सरकार की तरफ से, हम लोगों को सरकार को पूरा रिक्वेस्ट किया, आप लोग हम लोग लीजिए कुछ कीजिए, हम लोगों को सेव कीजिए, हम लोग पूरा रिक्वेस्ट किया हुआ है। और मैं जो अभी आप लोगों के साथ लाइव में जुड़े हुए हुए मेरा चैनल है, इसमें पूरा वीडियो डाला हुआ है, हम लोग पूरा रिक्वेस्ट किया सरकार को। तो क्या अच्छा, क्या हमारा सर मैंने मांग, किन किन नेताओं से अब तक आप लोग मिले हैं? जैसे बीजेपी के गद्दावर नेता हेमंत बिस्वा है, शायद वहां के मुख्यमंत्री हैं, हमारा हेमंत हेमंत बिस्वा सर को हम लोग पूरा रिक्वेस्ट किया है कि उनसे हम मिले हैं लोग आप लोग? नहीं, उन लोगों से मुख्यमंत्री मिल से नहीं मिले, पाया अभी तक, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं पाया प्रयास कर पूरा रहे हैं आप लगातार। लोग? हाँ, प्रेस कर रहे हैं पूरा, हम लोग डेली प्रेस कर रहे हैं, उन लोगों को मेल भी क्यों है, हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा अभी, ठीक नहीं, मेल मत है। कीजिए, उनका घेराव कीजिए, मुख्यमंत्री का घेराव कीजिए बैनर तले, क्योंकि वो हमारा बीजेपी का इधर स्टार हमारा इधर प्रचारक भी हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सब लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, सब लोग अपना आवाज उठा रहा है कि हम लोगों को सेव कीजिए। हाँ, हमारा हेमंत असम में बिस्वा सभी बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट में स्टार भी प्रचारक भी हैं। सब लोग राइज कर रहा है अपना वॉइस कि हम लोगों को कुछ कीजिए, हम लोगों को सेव कीजिए, पूरा सब लोग रोड पे आके पूरा राइज कर रहा है वॉइस अपने अपने को सेव करने के लिए। मुख्यमंत्री जी से कब मुलाकात होगी आपको, कुछ ऐसा आइडिया? मुख्यमंत्री जी से कब मुलाकात होगी? कि अभी हमारा इधर जो है वो थोड़ा वो है कि अभी गाड़ी नहीं चल रहा है, बंद है ऐसा बोल के 2 दिन बंद है। हम लोग मंडे को जाएंगे गुवाहाटी में, जो हम लोगों का मतलब हम लोग ईएम सर से मिलने के लिए जाएंगे मंडे को, देखेंगे अभी ट्राई करेंगे, ईएम सर से मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मेमोरेंडम लेके आएंगे। अगर यही है सर अभी। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेमंत बिस्वा जी हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं और काफी मजबूती के साथ बीजेपी में रह रहे हैं, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान से डायरेक्ट बात करते हैं आप लोग का, तो काम बन हाँ जाएगा। जी, तो क्या आप उन लोग पे दबाव बना सकते हैं, हेमंत बिस्वा जी पे, मुख्यमंत्री जी पे? हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अभी देखो अभी जो हमारे इधर घर में चल रहा है बीजेपी का चल रहा है, हम लोग बीजेपी को पूरा पूरा रिक्वेस्ट करेंगे और हम लोग लेटर भी देंगे उन लोग देखिए, के लेटर। रिक्वेस्ट करते करते आदमी थक गया है, प्रोटेस्ट कीजिए, घेराव कीजिए, उनके घर के बगल में बैठिए,
हाँ ऐसे करेंगे, अभी हम लोग का स्टेप चल रहा है, हम लोग स्टेप अभी आगे बढ़ रहे हैं के साथ। आप लोग 3 तारीख को निजला ऑफिस गए थे, हेडक्वार्टर गए थे एनओएस का, उतने उतने भारी संख्या के साथ आप मुख्यमंत्री का घेराव भी कीजिए। हाँ करेंगे जी, हम लोग सिर्फ एनओएस ऑफिस में नहीं गया, हम लोग डायरेक्टर का जो ऑफिस है एलिमेंट्री ऑफिस में भी गया था, और हम लोग जनता भवन में भी गया था। सब हम लोग ऐसा स्टेप लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मंडे में हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मिलने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, मंडे का अपडेट रख रहे हैं, मंडे का अपडेट रख रहे हैं। तो ये आज कल परसों 3 दिन बैठे हुए क्यों हैं? नहीं सर, अभी हमारा इधर पूरा गाड़ी बंद है, हम लोग अभी कहीं पे भी नहीं जा सकता, पूरा गाड़ी बंद है। अच्छा, असम में कितने लोग होंगे एनआरसी डिलीट कैंडिडेट? हमारा असम में लगभग 1 लाख होगा शायद, किसी को जॉब मिला हुआ है अभी तक कम जॉब नहीं, टोटल कैंडिडेट जो एनआरसी डिलीट किए हैं जॉब छोड़ के 50,000 तो है, 50,000 कम से कम 50,000। और अभी 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 एक्टिव कितने हैं वहाँ लोग? अभी देखो, अभी बहुत ग्रुप में मतलब वो स्प्रेड हुआ है कि अभी एक ग्रुप में पूरा मतलब एक साथ सब लोग नहीं है। हमारा जो ग्रुप है, मेरा साथ कम से कम 2000 आदमी मेरे साथ है, हमारा जो ग्रुप है। माने अभी जो एक्टिव है 2000 कैंडिडेट एक्टिव है? हाँ सब लोग एक्टिव है, हमारा जो ग्रुप में है सब लोग एक्टिव है। वो लोग 3 तारीख को हम लोग गया था गुवाहाटी में प्रोटेस्ट करने के लिए गया था, हम सब लोग एक्टिव है पूरा। क्या आप लोग दिल्ली भी निकल रहे हैं MHRD NCT की ओर? हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, अभी जो हमारा इधर बहाली चल रहा है तो अभी फिलहाल हम लोग इधर से बाहर कर दिया गया, हमें इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रोसेस जारी रखे हुए है। MHRD NCT सबको, धर्मेंद्र जी से और PM सर को हम लगातार, एनसीटी से तो अब कुछ नहीं होगा, जो भी होगा MHRD से होगा। अगर MHRD पे आप लोग दबाव बनाते हैं हेमंत बिस्वा जी के द्वारा गजट जारी करवाने को लेकर, 25 में है, हम लोग मेल कर रहे हैं, हम लोग जस्टिस, हम लोग के लिए जस्टिस के लिए हम लोग पूरा लगातार ट्वीट में है और मेल भी कर रहे हैं सर। नहीं, हेमंत बिस्वा जी के घर जाइए, उनपे आवेदन दीजिए 10 लड़का मिलके, और बोलिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान से डायरेक्ट बात कीजिए कि आपके हाथ में अगर आप MHRD से लेटर जारी करवा देते हैं गजट को लेकर तो हमारा काम बन जाएगा। सर आपका आवाज, देखिए गजट के लिए तो यहाँ बिहार से बहुत लोग प्रयास किए, सांसद से लोग मिले हैं, बहुत सारे सांसद से मिला गया है, लेकिन कोई ऐसा अभी तक अपडेट नहीं आ पाया है। सब लेटर लिखे धर्मेंद्र प्रधान जी को, लेकिन ऐसा कोई अपडेट अभी तक मिला नहीं है। प्रोवाइड कराते रहते हैं, पप्पू जी अपना काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जैसे ही लोग पटिशनर बन जाएंगे जल्दी से ही केस फाइल हो जाएगा, और MHRD पे भी दबाव बनाया जा रहा है सांसद विधायक के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का भी केस देखा जा रहा है। बस आप लोग एक्टिव रहिए, आप लोग भी सांसद मंत्री से दबाव बनाइए। जो लोग अभी होल्ड में है उन लोगों के लिए है, पूरा देश के लिए है, मैं समझ में नहीं आया मुझे। पूरा देश के लिए आधार हम लोग का वो है, लेकिन देश पूरा देश के लिए वैलिड है। अगर वैलिड होगा जीतेंगे हम लोग, पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है तो वो पूरा देश के लिए है। नहीं सर, सब राज्यों के लिए। सर मेरा माइंड में जितना भी है, मुझे जितना पता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वर्डिक्ट है, उसको लेके अभी हम केस तो नहीं कर सकता है ना, अभी हम केस करेंगे क्या उसके ऊपर? नहीं कर सकता है ना, तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आधार लिए केस कर रहे हैं। आधार दूसरा बना सकते हैं ना, वकील से बात हुई है, कपिल सिब्बल से बात हुई है। मुझे भी डाउट हो रहा है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, मुझे एक जानना था इसलिए मैं आपको पूछा। आज रात में पप्पू सर लाइव आएंगे और इस चीज को क्लियर करवा देंगे, ठीक ना? आवाज क्लियर नहीं है, मिसिंग आ रहा है आप आवाज। कह रहे हैं कि आज रात को पप्पू सर लाइव आएंगे और वो बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हो रहा है वो पूरे देश के लिए है, ना कि पूरे बिहार राज्य के लिए है। जितने भी राज्य के टीचर प्रभावित हैं उन सब के लिए ये केस होगा, सब उसमें जुड़ सकते हैं, सब राज्य के लोग पार्टी बन सकते हैं, वो तो साफ कह रहे हैं पप्पू सर। सर पप्पू जी जो सब लोग बोल रहे हैं कि पप्पू सर जो लोग केस करेंगे ना, वो लोग जो पिटीशन दायर करेंगे ना सर, उसमें सिर्फ जो लोग होल्ड है TRE 2.0 ऐसा कुछ चल रहा है उधर, 2.1 2.3, उसमें जो लोग होल्ड पे है
उन लोगों के लिए स्पेशली है या पूरा हम लोगों के लिए है, पूरे देश के लिए है? सबके लिए है, सबके लिए है। आप लोग भी पार्टी बन सकते हैं, आप लोग जब बहाली से बाहर हुए हैं ना, वो भी आप पार्टी बन सकते हैं, उसमें पेटिशनर बन सकते हैं। नहीं नहीं सर, वो तो हमारा जो बहाली है उसमें तो उसमें उल्लेख नहीं रहेगा ना, वो तो बिहार के लोग है उसमें जो बाहर किया है वही तो लिखा रहेगा ना केस में। आप समझ नहीं रहे हैं, पेटिशनर कोई भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। नहीं सर, अभी हम मैं बनना चाहता हूँ, अगर मुझे फायदा भी होना चाहिए ना, हमारा तो इधर हम लोग को बाहर कर रहा है, इसमें भी हम लोग अगर इसमें अगर नहीं मिलेगा तो हम उसमें पार्टी बन के क्या करेंगे जी। ठीक है, आप रात में लाइव आइएगा, आपको रात में लाइव लाएंगे पप्पू सर के साथ, आप पप्पू सर से वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ फिर लाइव। ठीक है ना, आज रात में पप्पू सर लाइव आएंगे तो उस समय आप भी लाइव आ जाइएगा। हाँ ठीक है, मुझे वो अच्छी तरह से आपको समझा, वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। बहुत सारे आप नहीं, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है ये क्वेश्चन को लेकर। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आया है कि वो सिर्फ फायदा बिहार लोगों को होगा या सब पूरा देश को होगा। मुझे जितना समझ वो क्वेश्चन आप उनसे करेंगे सर, मुझे जितना समझ में आया तो सिर्फ बिहार वालों के लिए फायदा आएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन किया है। नहीं नहीं नहीं, ये सारे देश के लिए फायदा है, सबको फायदा है। कोर्ट में जाने के लिए पिटिशनर होता है, तो पिटिशनर कोई भी बन सकते हैं। नहीं मैं समझ गया ना, समझ में आया सर, किसके लिए हम किसके लिए केस करेंगे, वो मतलब केस का वो सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट आधार वैलिडिटी के लिए ही रहेगा, लेकिन दूसरे आधार से रहेगा। वकील से बात हो रही है, कपिल सिब्बल के वकील से बात हो रही है, वहां पे जो जूनियर वकील हैं उनसे बात हो रही है, वो ऐसे ऐसे सलाह दिए हैं कि हम किसी और बेंच में केस को ले जाने की कोशिश करेंगे या फिर जो चीफ जस्टिस है उनके पास सुनवाने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए जो जज हमारे फैसला सुनाए हैं, माननीय जज साहब, अगर उनके पास केस जाएगा तो लगभग हम लोग जीरो बाई सन्नाटा हो जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे ऊपर जाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है सर, समझ रहे ना बात को? समझ में आया सर, फिर आप पप्पू सर से मुझे लाइव में लीजिए, मेरा जो क्वेश्चन है मन में जो डाउट है वो जानना है हमारा। ठीक है, अब वो आपका क्वेश्चन नहीं है, वो पूरे भारत के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन लाइव में आके आप पूछ लीजिएगा। आज शाम में वो लाइव आएंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। अब बाकी असम का जो काम हो रहा है वो काम कीजिए, मुख्यमंत्री का घेराव कीजिए वहाँ पे। हाँ ठीक है सर, हम लोग प्रयास में है, पूरा जारी है हम लोग। हाँ प्रयास करते रहिए, हर एक स्टेट से प्रयास होगा, अगर MHRD पे दबाव बनेगा तो हम लोग जीतेंगे। हाँ जरूर जीतेंगे जी, जरूर जीतेंगे, गजट भी जारी होगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, धन्यवाद सर।